राम मंदिर का मामला लगातार और पेचीदा होता जा रहा है, और जिस तरीके से राम मंदिर के फंड पे घोटाले की बात की जा रही है, अब ऐसा लगता है कि ये मामला कोर्ट तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी और हाई कोर्ट तक भी। इसी में रामले ट्रस्ट ने, जो कि राम मंदिर के अलावा और हिंदू ट्रस्ट होते हैं उसमें से एक रामले ट्रस्ट साधुओं का ट्रस्ट है, जिसने इस मामले को, इस घोटाले के मामले को धंधे के हाई कोर्ट में अपील करने की मंशा बना ली है। आइए देखते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट और जानते हैं कि क्या है राम मंदिर के पूरे घोटाले का सच, और किस तरीके से साधु हो, चाहे नेता हो, चाहे और राजनीतिक पार्टियां हो, वो किस तरीके से इसको यूपी में आने वाले चुनाव से पहले मुद्दा बनाने के प्रयासों में लगी है। ओ, बग, बग, मंदिर का विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। मामला एक बार फिर से कोर्ट में पहुंच सकता है। राम मंदिर निर्माण में आने वाले खर्च और रणनीति को लेकर नाराज साधुओं का एक दल कोर्ट में अपील करने की रणनीति बना रहा है। नाराज साधुओं के इस दल का नेतृत्व रामललाई ट्रस्ट के मुक्तेश्वर नंद कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में कुल कितना खर्च होगा, मंदिर निर्माण में ऐतिहासिक महत्व की चीजों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इसे लेकर वह कोर्ट का रुख लेने वाले हैं। उनका आरोप है कि ऐतिहासिक चीज़ों जिनका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है, उन्हें राम मंदिर के कैंपस से हटा दिया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के नाम पर कैंपस के अंदर कई ऐसी ऐतिहासिक मंदिर हैं जिन्हें तोड़ दिया जा रहा है। इसका इतिहास में अपना स्थान है, लेकिन इन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा। ऐसी धरोहर की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें संरक्षित करना चाहिए, उन्हें सुंदर बनाना चाहिए। रामलला ट्रस्ट के ट्रस्टवर्ती अभी मुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने इन बातों पर जोर देते हुए कहा कि अगर ऐसी रणनीति रही तो इतिहास में उनका महत्व खत्म हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो पैसे आए थे उससे ट्रस्ट जमीन खरीद रहा है। ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसकी जाँच होनी चाहिए। जाँच निष्पक्ष हो इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार रिसीवर नियुक्त करे या फिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को अधिकार दे। आरोपी महासचिव चंपत राय व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को पद से हटाकर यह जांच होनी चाहिए। अयोध्या के बाग विजेसी में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 1.20 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई थी। इस खरीद में भ्रष्टाचार का ट्रस्ट पर 2 करोड़ की भूमि पर 18.5 करोड़ खर्च करने का बड़ा आरोप है। इस मामले पर विवाद बढ़ा है और साधुओं का एक दल इसके साथ आ गया है। रामलला ट्रस्ट के ट्रस्टी अभी मुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। अब इस तरह के तमाम आरोपों का सामना कर रही राम मंदिर निर्माण की ट्रस्ट के प्रवक्ता ने कहा कि हम पर जो आरोप लगा रहे हैं, उन धमका रहे हैं, उन्होंने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में कोई साथ नहीं दिया। हमने इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, हम कोर्ट के केस से नहीं डरते।